हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित वड़गामा और मैं हूँ SDI अहमदाबाद से। और आज फिर से मैं लेके आया हूँ वेल्डिंग का एक टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डिंग की डेफिनेशन के बारे में और जानेंगे उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? क्योंकि अगर आज के टाइम में आपसे पूछ लिया जाए कि आपको डेफिनेशन के साथ में वेल्डिंग को समझाना है, तो आप सिर्फ इतने समय वेल्डिंग को समझा नहीं पाओगे। उसके लिए आप क्या बोल सकते हो? तो फिलर का उपयोग करके या किए बिना, प्रेशर का उपयोग करके या किए बिना, गर्मी और तापमान से दो धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया को हम वेल्डिंग कहेंगे। आइए अब समझते हैं इन शब्दों का हमने उपयोग क्यों किया है। इसमें सबसे पहला शब्द यूज किया गया है फिलर। फिलर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे हम भरने के लिए यूज करेंगे। तो वैसे ही वेल्डिंग करते दरमियान हमको बाहर से मटेरियल कभी कभी ऐड करना पड़ता है, जिसको हम फिलर मटेरियल कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोड, फिलर वायर, फिलर रॉड। और इन सारों का उपयोग हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, टीग वेल्डिंग, मीट वेल्डिंग जैसे वेल्डिंग्स में करते हैं। लेकिन इसके साथ में हमें ये भी समझना होगा कि बिना फिलर के भी वेल्डिंग होते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग। दूसरा शब्द यूज किया गया है प्रेशर। प्रेशर हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेल्डिंग है जिसके अंदर प्रेशर का यूज नहीं होता, जैसे कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, टीक वेल्डिंग, मीट वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। लेकिन कुछ ऐसे वेल्डिंग भी है जिसमें हम प्रेशर का यूज करते हैं, जैसे कि स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें एक और शब्द का भी उपयोग हुआ है, गर्मी और तापमान। उसका उपयोग हमने क्यों किया है, अब हम वो समझेंगे। क्योंकि वेल्डिंग के अलावा बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस है जिसे हम चीज़ों को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि एडहेसिव बॉन्डिंग, शोल्डरिंग और ब्रेजिंग। अब इन सब में फ़र्क क्या है? एडहेसिव बॉन्डिंग क्या होता है? एडहेसिव बॉन्डिंग बेसिकली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई लिक्विड फॉर्म में हम फिलर यूज़ करेंगे दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो ग्लू। क्यों? क्योंकि ग्लू होता है वो एक लिक्विड बॉन्डिंग टाइप होता है जो ज्वाइंट करने के बाद सॉलिड हो जाता है। शोल्डरिंग का तापमान एडहेसिव बॉन्डिंग से ज़्यादा होता है। नॉर्मली उसका उपयोग हम लोग वायर्स को जोड़ने के लिए करते हैं। और उसके बाद आता है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग एक गैस वेल्डिंग के तरीके की ही प्रक्रिया है, लेकिन उसमें तापमान गैस वेल्डिंग जितना नहीं होता। और आखिरी प्रक्रिया है वेल्डिंग। वेल्डिंग का तापमान इतना होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं उस दरमियान हमारे जो मेटल के पीस होते हैं उसको पिघला के एक दूसरे से चिपकाता है वेल्डिंग। अगर स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें वेल्डिंग में मिलेगी, उसके बाद ब्रेजिंग में, उससे कम शोल्डरिंग में और उससे कम एडहेसिव बॉन्डिंग में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जानने के लिए सारे वेल्डिंग्स को हम लोग दो हिस्सों में बांट लेंगे। एक टाइप के वेल्डिंग होंगे जिसमें प्रेशर का यूज़ होगा और दूसरे टाइप के वेल्डिंग होंगे जिसमें प्रेशर का यूज़ नहीं होगा। प्रेशर का यूज वाले वेल्डिंग में सिर्फ एक टाइप का वेल्डिंग है एक, और जिसके प्रकार हैं स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग और प्रोजेक्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। बिना प्रेशर के होने वाले वेल्डिंग्स को हम तीन कैटेगरी में बांट देंगे। एक होगा आर्क वेल्डिंग, दूसरा होगा गैस वेल्डिंग और तीसरा होगा केमिकल वेल्डिंग, या उसे थर्मिट वेल्डिंग भी कहा जाता है। केमिकल या थर्मिट वेल्डिंग आपको जनरली जब ट्रेन की पटरियां जोड़ती हैं वहां पे देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे आर्क वेल्डिंग के टाइप की, तो उसमें मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग शामिल है। अगर हम लोग बात करेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में, तो उसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग और एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग को शामिल करेंगे।